अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच एक अहम वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें बड़े ऐतिहासिक समझौते हुए जिससे चीन की हालत अब खराब होने लगी है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ऐसा समझौता भी हुआ है जिसने चीन को चिंता में डाल दिया है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी और रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बृहस्पतिवार को एक करार हुआ है। इस समझौते के बाद दोनों देशों की वायुसेना और नेवी एक दूसरे के देश के सैन्य ठिकानों को रसद, रिफ्यूलिंग, रखरखाव और सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे दोनों सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होगी और उनकी पहुंच बढ़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये समझौता भारत का सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ है तो आप गलत हैं। इससे पहले भी भारत ऐसे ही समझौते अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ कर चुका है। यानी कि अब इन सभी देशों के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर या युद्ध की स्थिति में भारत कर सकेगा और ये देश भी भारत के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते के मुताबिक अब भारतीय युद्ध पोतों को ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक ठिकानों पर लंगर डालने, रखरखाव और ऑस्ट्रेलियाई टैंकरों से ईंधन भरने में सक्षम बनाएगा। और इसी के साथ हम आपको यहाँ ये बता दें कि अमेरिका के दुनिया भर में कई सारे मिलिट्री बेसिस हैं जिनको अमेरिका को मेंटेन करना होता है और जिनकी रखरखाव की सालाना कॉस्ट अरबों डॉलर में आती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो भारत को यहाँ एक चवन्नी भी अपने जेब से नहीं देनी पड़ेगी और वो एक पूरे के पूरे बेस का इस्तेमाल कर सकेगा। सूत्रों के अनुसार अब भारत जापान के साथ एक सैन्य लॉजिस्टिक संधि करने के लिए तैयार है जो चीन को जमीन में ही बैठा के रख देगा। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने लगातार चीन के भारत प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी व्यवहार पर दृढ़ता से नजर बनाई हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में अपने रणनीतिक और नौसैनिक परिचालन पहुंच का विस्तार करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सैन्य समझौते कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान। सूत्रों ने बताया है कि इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जापान के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक संधि करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रूस और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इसी तरह के समझौते पर बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर भारत इस लॉजिस्टिक समझौते के जरिए चीन को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ भारत पहले ही यह समझौता कर चुका है और जापान से समझौता हो जाने के बाद भारत की जेब में येलो सी और ईस्ट चाइना सी आ जाएगा, जिससे कि भारत की पकड़ चीन के ऊपर और मजबूत होती दिखेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड समूह का हिस्सा है और इन सभी को इस समझौते के बाद नई ताकत मिलेगी। भारत अमेरिका के साथ पहले ही यह लॉजिस्टिक समझौता साइन कर चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यह समझौता साइन कर लिया है। आने वाले वक्त में भारत जापान के साथ भी ऐसे ही समझौता कर सकता है। इस प्रकार क्वाड के देशों में आपसी सहयोग बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां ये सभी देश चीन को दरकिनार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाकर चीन को कड़ा संदेश भेज रहे हैं। अब जब दोनों देशों के साथ आकर भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है तो चीन इससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। जाहिर है भारत के इस समझौते से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, जो चीन को अभी से ही डराने लगी है।